देवी मशान 5 मिनट के लिए मेरे दोस्त भैया के हाथ में नोट लेके आओ। पूजा का चिंता नहीं करो, कल दो आदमी का पूजा दिया था, उसका तैयार है। सुनना पड़े देखना रुपया में कहो के नोट बन जाओ और बन जाओ। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल अभी बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा मेरे को कॉल आया था कि वो जो भैया है जिनको हॉस्पिटल अपन ले गए थे, तो उनकी थोड़ी सी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी कुछ गैस वगैरह बनने के कारण। तो फिलहाल वो हॉस्पिटल में रात भर से हैं और अभी लगभग फ़िलहाल शायद 10:30 से 11 बजे ऐसा पता चला है कि उनकी छुट्टी हो जाएंगी। तो अपन फ़िलहाल अभी लेने चलेंगे उनको, और अभी तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल मैं ऑफिस में हूँ, और अभी अपन चलेंगे थोड़ा सा उनके पास, तो वहाँ पे चल के मिलते हैं। और तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं फ़िलहाल घर से भैया के जाके ज़रा अभी इनके लिए दलिया लेके आ गया हूँ। तो देख सकते हैं जो कि ये डब्बा रखा हुआ है, इसमें लेके आया हूँ इनके लिए गर्मा गर्म दलिया, जो कि ये रात भर से यहाँ पे भरती है, और थोड़ा सा परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे और रात भर से कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इनके लिए ले चलते हैं दाल दलिया, फिलहाल हल्का भोजन ले आए थे। तो दोस्तों जैसा कि अभी देखा आपने, मैं हॉस्पिटल में था और फ़िलहाल अभी मैं घर थोड़ा सा आ गया था, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैम को मैं छोड़ के आया हूँ चर्च, और अभी फिर मेरे को थोड़ा सा थोड़ी सी देर के बाद जाना है, मतलब 12:15 बजे तक लगभग जाना है। तो आप फ़िलहाल अभी टाइम देख सकते हैं कि 12 बजने वाले हैं, और अभी मेरी फ़ोन पर फिर से बातचीत हुई थी, बॉटल वगैरह लगी हैं उनको, तो वो आधे घंटे में लगभग ख़त्म हो जाएंगी। तो फ़िलहाल अभी टाइम अपन देख लेते हैं, 12 बजने वाले हैं और 12:15 बजे अपने को पहुंचना है। तो फ़िलहाल अपन 5 से 10 मिनट के बाद अपन निकलते हैं यहाँ से। देवी मशान 5 मिनट के लिए मेरे दोस्त भैया के हाथ में नोट लेके आओ। पूजा का चिंता नहीं करो, कल दो आदमी का पूजा दिया था, उसका तैयार है। सुनना पड़ेगा जादू का पैसा। अगर यदि मेरे जेब में रुक जाता तो मैं अपना वेट बोलो जेबी में नहीं, ये गमछा ले इसमें रख पकड़। पहले ये खोल के दिखा के गड्डी तो नहीं है इसमें, खाली है ना, लोड बन गया तो बता रहे ना, बड़े आदमी क्या बोलो सामान दे मुझे, बांध दोनों डालर जादू पड़ेगा जब तू आएगा, जादू नहीं आता है, जादू सीखूंगा दोस्त, मगर मैं आपको सीखूंगा, आपको सिखाओगे तो नहीं, ताली बजाओ सब। आज मैं इसे ऐसा जादू सिखा दूंगा, ये आदमी जाएगा अपना घर में और घुस जाएगा दूसरे आदमी के घर में, ऐसा जादू नहीं, मैं अपना जादू सीखूंगा, ठीक है, दोस्ती में सिखाऊँ और बंडल भी बना के सब आदमी देखेगा, मजा आएगा। सिक्का बाहर करो, अभी 1 घंटे के लिए फटाफट बाहर निकाल लो मेरे दोस्त, ऐसा
राजा, ऐसा पकड़ लो सब भैया देखेगा। तो ये ना बताइए, दोनों डाला ले जाओ, बन मगर नोट में नहीं बनाता। मेरे पास नोट बनाने वाला मशीन है, दो मशीन था मेरे पास, एक मोदी जी को दे दिया, एक मेरे पास। देखो मैं दिखा देता हूँ भैया, तुमने कभी मेरे नोट वाला मशीन देखा है? आज देखने बड़ा किस्मत वाला है, ये इससे ज्यादा नोट बनेगा। इससे बोलेगा ना, देखो जोर से बोलेगा तो नोट लाएगा, नहीं बोलेगा कुछ नहीं लाएगा। जोर से बोल दो हड्डी में बोला है, बोलो हड्डी हड्डी, बोलो लाल नोट की गड्डी, लाल नोट की गड्डी, हार दो पेंट तो चड्डी, हार दो पेंट चड्डी, लड़का पेंट चड्डी पड़वा लेगा पैसे के चक्कर में। ए ए दोस्त, को रुपया में और रुपया को तीन बार घुमा लो खोपड़ी से, खोपड़ी से कपड़ा कहाँ है? छोली बना अभी गड्डी, जैसे भिखारी जल्दी बनाने, खेल में तो हंसी मजाक नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। हंसी मजाक का खेल गुस्सा नहीं होगा, मेरा भला हो जाए। लगता है तेने कभी भीख नहीं मांगा, तू चिंता मत करे, मैं सिखा दूंगा। क्या दुर्गा भैया, मेरा नाम संजय है और मेरा काम भी पक्का है। दोस्त खाली कपड़ा है ना, ऐसे हाथ कर, ऐसे छोटी बनाया, ठीक है? कितना सिक्का है? दो सिक्का है, तीन नहीं, तीन रुपए है, दो सिक्के, ऐसा रख दूंगा ये दोनों डॉलर उड़ जाएगा, नोट का गड्डी निकलेगा, वहाँ गिनती करना सब लंडी का मंत्र होता है, ऐसा क्या कर रहा है? बड़ा बदमाश आदमी गाँव मेरा, मगर बहुत आदमी क्या कह रहे हैं, सरकार ने जब भी सब चीज के ऊपर टैक्स लगाया मगर चुगलखोरों के ऊपर नहीं लगाया। बहुत आदमी कह रहा है कि नोट का बंडल रख दिया खेले से निकाल कर, तो मैं सबको दिखा दूँ, बोलो सही? नहीं नहीं रखा, नहीं रखा। अबे तो मैं भी दिखा दूँ, अंदर हाथ डाल कर दे, कोई गड्डी तो नहीं, गड्डी है गड्डी। मैं कह रहा हूँ सिक्का रगड़ ले, वो उंगली पकड़ के ऐसे रगड़ के, छोली बना। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? मेरे को जाना, सब कुछ ले जाना, एक सफेद के दाल जो मिलेगा तुझे, ऐसे कर लगते नहीं। फिलहाल मैं दोस्तों आ गया हूँ अभी हॉस्पिटल, देख सकते हैं आप, और फिर अपने चलते हैं पेशेंट के पास और पेशेंट को थोड़ा सा लेते हैं और चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ और अब जारी है हमारी फ़िलहाल घर जाने की तैयारी, तो यहाँ से मिलते हैं आपसे घर पे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैं फ़िलहाल अभी आ चुका हूँ और गया था उनको, फ़िलहाल अभी घर छोड़ के आ चुका हूँ हॉस्पिटल से लिया, और जैसा कि आपने देखा मैं ज़्यादा लोग थे वहाँ पर तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया, तो आपको थोड़ा सा दिखाया। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ा सा अभी वापस से। चलो तो दोस्तों मैं यहाँ से सीधे मिलता हूँ आपसे चर्च में, और फ़िलहाल अभी बहुत लेट हो गए हैं नहाने वगैरह में, तो मिलते हैं आप लोगों से सीधे चर्च में फिर। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल हमारा एंड हो चुका है, तो अभी हम लोग फ़िलहाल निकलने वाले हैं यहाँ से, तो अभी मिलते हैं आप लोगों से सीधे घर पे।
तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल देख सकते हैं फिलहाल अभी आ चुका हूँ, तो अभी थोड़ा सा करते हैं आराम और फिर आराम करने के बाद फिर वापस से करते हैं मुलाकात। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी लगभग 6:30 बजे के बाद से नेटवर्क इतना दिक्कत दे रहा है कि अभी तक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई है, और सभी जो कि एयरटेल के जो भी कस्टमर वगैरह है उनको इतनी भी दिक्कत जारी है कि मैं क्या ही बताऊं। और बहुत बड़ा इशू हो रहा है जो कि तारीख है, आज फ़िलहाल मैं आपको बता दूं 18 तारीख है, ये प्रॉब्लम जारी 18 तारीख को। तो अभी देखते हैं पता नहीं कैसे क्या वीडियो अपलोड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, जैसा भी रहता है आपको बताते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी को फेस करना पड़ रहा है, तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या कर सकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। पड़ोस के घर में गई थी फोन करने के लिए। क्यों? नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही ना, फोन भी खराब हो गया। अच्छा, नेटवर्क की दिक्कत हुई, फोन की भी दिक्कत हो गई, तो नंबर भी याद नहीं थे किसी के। फिर मैंने कैसे ना कैसे करके नंबर करा, भाई को फोन लगाया, भाई को बोला अच्छा कि परेशान मत होना, मेरे फोन खराब हो गए हैं, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, मन भी नहीं लग रहा, खाना खाने का भी नहीं मन हो रहा, कुछ भी। बुढ़िया क्या हाल है? अरे फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब आगे बढ़ाओ कि मेरे को एक नया फोन मिल जाए, मेरा फोन बहुत पुराना फोन है। वाईफाई का रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है। वाईफाई भी लगवाया था, बस एक ही बार रिचार्ज कराया था, दोबारा करा भी नहीं। वाईफाई तो छोड़ो यार, पर फोन खराब हो गया, मेरे को मेरा आईडी पासवर्ड ईमेल आईडी कुछ भी नहीं मालूम, सब कुछ चला गया, डाटा इतने सालों का 7-8 साल का डाटा था पूरा टोटल गायब हो गया, बहुत बुरा लग रहा है। चलो तो फ्रेंड्स फिर मैं इस ब्लॉग को करता हूँ फिलहाल एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत परेशानी गई है नेटवर्क में, पता नहीं वीडियो अभी अपलोड हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बोलो कि देखूंगा।